हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अमना राजपूत एयर के कुकिंग चैनल और मैं हूँ आमना पास शेख, और मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए मज़ेदार मिक्स सब्जी की रेसिपी, जिसमें हमारे पास आलू है, गाजर है, मटर है, और इसके अलावा हमने लिया है बैंगन, जिसे हमने भिगो दिया है पानी में। और इसके साथ हमारे पास जो स्पाइस हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमारे पास आधा चम्मच जो है पिसी हुई लाल मिर्च है, और ऐसे ही आधा चम्मच हमने पिसा हुआ धनिया लिया है, हाफ टी स्पून से जो आधा चम्मच है, चाय का आधा चम्मच वो हमने हल्दी ली है, एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, और आधा चाय का चम्मच से भी कम हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च है। इसके अलावा हमारे पास आधा जो प्याली है, आधी प्याली वो टमाटर का पेस्ट है, ये आप कोई सा भी ले सकते हैं, कच्चे टमाटर प्यूरी का चाहें। और ये है हमारे पास थोड़ा सा जीरा, जिसे हम प्याज के साथ और थोड़ी सी एक दो साबित लाल मिर्च के साथ फ्राई करेंगे। और ये है हमारे पास लेमन, जो हम आखिर में ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में हमने ऑयल डाला, और साथ ही इसमें हमने प्याज डाल दी, जीरा, और हम इसे फ्राई करेंगे, अच्छा सा कलर आ जाए, फिर इसमें और चीज़ें ऐड करते हैं। प्याज में तकरीबन कलर आ गया है, अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर तमाम स्पाइस को भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी, ताकि इसकी उछल कूद कम हो जाए, थोड़ा सा ये भून जाए, तो इसके अंदर सब्जी को भी ऐड करते हैं। थोड़ा सा भून कर इसको हम दम पे करते हैं, और जब दम पे करेंगे उस वक्त हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आलू जो है मेरे बॉईल हैं, बाकी चीज़ें भी ऐसी हैं जो दम में फटाफट गल जाएंगी। अब जो अच्छे से तकरीबन भून चुकी है, अभी इसी स्टेज पे हम इस पर नमक डालेंगे एक चम्मच, और इसे भून कर हल्का सा पानी का छीटा देंगे, ताकि हमारी सब्ज़ी जो है नीचे से जले नहीं और जो दम में पानी सूख जाएगा इसका। तो चलिए जैसे ही सब्ज़ी रेडी होती है हम इसे सर्व करते हैं। साथ ही इसमें लेमन जूस भी डालेंगे, हमने हाफ लेमन का जूस डाला है। ज़्यादा खट्टा पसंद करें आप तो ज़्यादा खट्टा भी ऐड कर सकते हैं। बस देखिए, गर्मा गर्म हमारी मिक्स सब्जी रेडी है, मज़ेदार धुएं निकल रहे हैं, और सर्दियां हैं, अब शुरुआत सर्दियों की है, तो बस आप सर्दियों में ये बनाइएगा, ये बहुत मज़े की लगती है। आप इसे रोटी के साथ सर्व करें, और चाहें तो सर्व चावल के साथ भी कर सकते हैं, यकीन मानिए बहुत मज़ेदार बनती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।